हाय दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे टूल्स जो कि बहुत ही अंडररेटेड है। अब अंडररेटेड मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो ऑलरेडी मैक्स में अवेलेबल है, लेकिन उनका यूज़ हम बहुत ही रेयरली करते हैं। तो आप इन्हें अगर डेली बेसिस पे करना सीख जाओगे या फिर इन्हें यूज़ करने लगोगे, तो आपका जो स्पीड है और जो काम का वर्क फ्लो है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा, और आपका कुछ ना कुछ टाइम तो बच जाएगा। अगर आप प्रोफेशनली, मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो आपको टाइम का कितना जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता ही होगा। तो ऐसे ही कुछ टूल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी पिछली बार एक टूल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था। अब मान लीजिए कि ये उसका ही एक अलग दूसरा सेगमेंट है, तो उसमें मैंने कुछ ट्रांसफॉर्म टूल्स एंड और कुछ बताए थे। लेकिन ट्रांसफॉर्म टूल्स मैं बता दूं, मैं इसे हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म टूल्स का शॉर्टकट मैंने कीबोर्ड पर रख लिया है, उसको मैंने बी शॉर्टकट रख लिया है। तो ये अगर इसके बारे में जानना है तो आप वो टूल्स वाला जो प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेगा मेरे वीडियो सेक्शन में जाके, तो आपको ये पता चल जाएगा। इसमें अब देखिए, जो भी आपको ट्रांसफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन जितना टाइम यहाँ से लगता है तो आप थोड़ा सा इसे ओवरकम कर सकते हो, जैसे घुमाना है 90 डिग्री से एंड सो एंड सो। ठीक है, ये कुछ टूल्स थे जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल अलाइनमेंट टूल लिखेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट, आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है, एक जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ। तो सबसे पहले सिंपल अलाइन टूल देखेंगे। अलाइन टूल यानी अभी क्या होता है, मान लीजिए आपका सीन बहुत हेवी है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है उसमें, एंड आपको किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को किसी एक सिंगल दूसरे ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए कि विंडो है समथिंग, ठीक है, तो आपको प्लेस करना है, ठीक है, तो आप उसे सिलेक्ट एंड प्लेस कर सकते हो। इसका भी मैंने जिक्र पिछले वीडियो में किया था, आप ऐसे प्लेस कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, तो आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे इसे अलाइन नहीं कर सकते हो। ऐसे पर्टिकुलर जगह पे कैसे मैं बताता हूँ आपको, कंट्रोल झेड कर दिया मैंने, यहाँ से अलाइन सिलेक्ट कर देता हूँ और इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ऐसे करता हूँ ना एक विंडो ओपन हो जाता है। आप इसे किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे, अब मान लीजिए मैं इसे कब यूज़ करता हूँ, मान लीजिए देखिए, अभी मुझे इसमें होल करना है, ठीक है, सेंटर में होल करना है, एग्जैक्ट सेंटर में, उस टाइम देखिए सिंपली इस पर क्लिक करना है, इसे सिलेक्ट करना है, सेंटर सेंटर करना है, सभी डायरेक्शन में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए एक पूरा सेंटर में आ गया इसे, ठीक है, देखिए अब सिंपली मैं इसे यहाँ से मैं जाऊँगा कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में एंड प्रोबुलियन एंड स्टार्ट पिकिंग, ऐसे क्लिक करके इसे मैं होल क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये एक्चुअली लॉजिकली ये अगर देखोगे आप, तो हमारे आर्किटेक्चर का जो एरिया है उसमें ऐसे होल्स आपको कोई इशू नहीं करता है, क्योंकि जिनका फील्ड एनिमेशन से बिलोंग करता है उन्हें ऐसे होल्स करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि टेक्सचरिंग के वक्त उन्हें प्रॉब्लम आता है। तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसे ऐसे होल कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप होल मानिए या फिर जो पैराबोलस होते हैं या परगोला कुछ लोग बोलते हैं, उस तरह से चीज़ें इसमें आप आसानी से कर सकते हो। तो सिंपल आपको अलाइन करना है, जिस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपको यहाँ से अलाइन करना होता है, और आपको जिस पोजीशन पे चाहिए उस पोजीशन पे आप उसे अलाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा इसे ट्विक करके देख लीजिए तो आपको आसानी से पता हो जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादातर यहाँ पर सेंटर सेंटर ही करता हूँ, तो बेस्ट है कि आसानी से एक ही क्लिक में आपको वो सेंटर करके देता है। बाकी आपको जो भी चीज़ें हैं पर्सनली या फिर खुद से जाके यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था दोस्तों सिंपल अलाइन टूल, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद है अलाइनमेंट का ही है, लेकिन उसका नाम है नॉर्मल अलाइन। अब यहाँ पे देखिए मैंने उसे टूल बार में ऐड करके रखा है, ठीक है। तो इसे कैसे करना है, अगर मान लीजिए सपोज ये विंडो है और ये कुछ ऐसे आड़ा टेढ़ा या फिर कुछ अलग पोजिशन में है, कहीं पे भी हो, ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्लेस करना है इसे एग्जैक्टली। तो कैसे करें, अब यहाँ पे अभी रैंड आपको मैन्युअली करना है, तो कितना, अब देखिए कितना आपको तकलीफ़ उठाना पड़ता है, यहाँ पे पूरा
इसे रोटेट करके, प्लेस करके, ठीक है, स्नैप करके। तो सिंपली आप इसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे किसी एक डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन को सिलेक्ट किया मैंने एंड यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है। देखिए ये उस जगह आ गया और यहाँ पे हल्का सा आपको स्नैप कर देना उसे। देखिए तो आपको ना रोटेशन करने की ज़रूरत पड़ी ना उसे, अगर आप स्नैप का भी यूज़ करोगे ना तो भी वो, क्योंकि एज इट इज स्नैप होता है, रोटेट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है, उसे अलाइन कर देता है जिस पोजिशन, जिस साइड से आपने किया है उसी साइड पे उसे अलाइन कर देता है। तो ये था सिंपल नॉर्मल अलाइन, ठीक है। तो इसके बाद है दोस्तों कीबोर्ड शॉर्टकट EX यानी ग्लोबल सर्च। अब ये दिखने में इतना सिंपल लगता है लेकिन अभी आप इसे अगर यूज़ करना सीख जाओगे तो आपको ये पता चलेगा। आप 3ds Max के किसी भी टूल को यहाँ से कॉल कर सकते हो, किसी भी टूल को नॉर्मली। अब टूल यानी मॉडिफाइज होने दो या कुछ क्रिएट करना होने दो, प्रिमिटिव्स होने दो या रेंडर सेटिंग्स, जो भी हो आप यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अभी सपोज मुझे एक सिलेंडर लेना है, ठीक है, तो मैं सिंपली सिलेंडर करूँगा और एंटर करूँगा। देखिए ऑलरेडी सिलेंडर सिलेक्ट हो गया, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया है, ठीक है। अब पिछला जो टूल बताया था मैंने, सिंपली उसे सिलेक्ट करेंगे तो इसे अलाइन कर देता हूँ एंड सेंटर सेंटर करके इसे सेंटर पोजिशन में ला के रख देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ये सेंटर पोजिशन पे आ गया। अब मुझे इसे इस ऑब्जेक्ट को बुलियन करना है, ठीक है, तो यानी होल क्रिएट करना है। तो मैं जो जिसे होल करना है वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे एंड नॉर्मली X प्रेस करता हूँ और यहाँ से सपोज मान लीजिए मैंने प्रो बुलियन या बुलियन ऐसे सिलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली जाके वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाके यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है, हमें सिर्फ क्लिक करना है यहाँ पे। देखिए तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ जैसे एडिट पॉली मॉडिफायर देना है मुझे, एडिट पॉली, एक्चुअली अभी देखिए क्यों नहीं आ रहा है, इसमें सिलेक्ट नहीं है, ठीक है, सिलेक्ट करना है तो आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, पहले सिलेक्ट करके एक्सप्रेस करना है एंड यहाँ से आपको एडिट पॉली टाइप करना है, ठीक है, इस तरह से। और जैसे एडिट पॉली सेलेक्ट करोगे आपको एडिट पॉली यहाँ पे ओपन हो गया है। देखिए सपोज मान लीजिए आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करने हैं, सपोज यूज़र पाथ्स, देखिए आप डायरेक्टली आप किसी सेटिंग में जा सकते हो वहाँ पे। इस तरह से आप कहीं पे भी किसी भी टूल में या किसी भी सेक्शन में आप यहाँ से जा सकते हो, इसका नाम ही है ग्लोबल सर्च, ठीक है। तो ये था शॉर्टकट EX, ठीक है, आप नहीं है तो आप कस्टमाइज में जाके उसे कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज हॉटकी एडिटर, यहाँ पे आपको सर्च करना है ग्लोबल सर्च, ठीक है। देखिए लॉन्च ग्लोबल सर्च, इसका शॉर्टकट यहाँ पे X प्रेस करना है और यहाँ से असाइन कर देना है, ठीक है। तो वो डिफ़ॉल्ट ही था तो उसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने निकाल दिया या फिर कुछ अलग की लगाया उसको तो आप वहाँ से उसे असाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद आता है ग्रिड। आप जी आपने करेक्ट नाम सुना है ग्रिड, क्योंकि अभी जितना हमें ग्रिड मालूम है हम इसे ग्रिड कहते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन हम खुद का अपना एक टेम्पररी ग्रिड भी बना सकते हैं, ठीक है, थीके? तो उसका यूज़ क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो मान लीजिए अभी ये इसका हालत देखिए, ये कुछ आड़ा टेढ़ा ऐसे दिख रहा है, हम मुझे परफेक्ट ऐसे शेप में इसे लाना है। तो यहाँ पे आप अलाइनमेंट देख सकते हो, यानी आप इसे XYZ में आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सिचुएशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, उस टाइम पे हमें ये जो प्लेनर वाले टूल्स है ये इतना कारगर साबित नहीं होते, ठीक है, थीके? तो उस टाइम पे क्या करना है, तो उस टाइम पे काम में आता है ग्रिड, ठीक है। अब ये इससे हो जाएगा लेकिन मैं आपको ग्रिड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जाना है यहाँ पे हेल्पर्स आता है सेक्शन, हेल्पर सेक्शन में जाके आपको ग्रिड क्लिक करना है एंड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको याद रखना है ऑटो ग्रिड ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद क्या करूँगा, अब देखिए ये वाला स्टेट है, ठीक है, तो मैं इस पे ग्रिड है ना यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। आप कितना भी या कितना ही बड़ा छोटा ड्रॉ कीजिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जब ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एक्टिवेट ग्रिड करना है। जैसे एक्टिवेट ग्रिड करोगे जो नीचे वाला ग्रिड था वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है, यानी रुक जाता है और इसे परमिशन दे देता है कि तू कुछ देर ग्रिड बन जाए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो पॉलीगॉन्स है इन्हें सिलेक्ट करके है ना आपको सिंपली है ना यहाँ पे ग्रिड अलाइन करना है। अब जैसे ही ग्रिड अलाइन करोगे देखो ये ग्रिड के
अकॉर्डिंग अलाइन हो गया। देखिए देख लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे ये ग्रिड को हलाना है, ठीक है। तो मैं सिंपली इस ग्रिड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसे अच्छी बात है कि इस ग्रिड को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और पिछली बार जो कहा था सिलेक्ट एंड प्लेस, उसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे रख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो मुझे ये जो पॉलीगन है अभी इसे करके देखेंगे हम लोग। तो पॉलीगन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ग्रिड अलाइन कर लेता हूँ। तो देखिए ये इस लाइन में अलाइन हो गया। तो इस तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हो। सिंपल टेक्निक है लेकिन काम में आता है, ठीक है। किस टाइम पे किस टूल का यूज़ हम करें तो बेटर होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से उसे सिंपल अलाइन कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसे अलाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। आप एंगल ए प्रेस कर दिया मैंने तो एंगल स्नैप ऑन गया है। और यहाँ से मैं इसे यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो फिर से इसे सिलेक्ट करके मैं इसे फिर से ग्रिड अलाइन कर देता हूँ। देखिए तो ये डिपेंड करता है आप पे दोस्तों कि आप किस सिचुएशन में क्या टूल्स यूज़ कर रहे हो। आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि अभी आपको पता नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर सपोज आपने काम किया है इसी सिचुएशन में तो आपको पता होगा। नहीं तो क्या होता है, कई कई बार क्लाइंट का इतना लोड होता है ना, कहीं भी सपोज नेट कुछ देर के लिए ऑफ हो गया तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कुछ रेफरेंस देखना या फिर कुछ करना या फिर नेट पे ढूंढना कि क्या करना है। तो आपको ये खुद से कुछ टूल्स या फिर ऐसे टेक्निक्स पता होना चाहिए आपको। तो ये था दोस्तों ग्रिड, ठीक है। तो आप इससे थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये धीरे से समझ में आ जाएगा कि इसका एक्चुअल में इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों देखते हैं अगला टूल। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक आर्क लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और मान लीजिए कि यहाँ पे एक अपना रोड है, मैं इसे ही रोड क्रिएट कर लेता हूँ तुरंत। यहाँ पे स्वीप मॉडिफायर लेता हूँ, यहाँ से बार कर लेता हूँ ऐसे, एंड इस तरह से मैंने ये अपना टेम्पररी रोड है मान के चलिए। तो हमें इस लाइन को यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स असाइन करने, जैसे लाइट्स लाइट पोल हो गया या फिर जो भी आपकी गार्डनिंग या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं आपको प्लेस करनी है। तो मैं ये लाइन क्यों लिया हूँ ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे ज्योमेट्रीज में जाके यहाँ पे सिविल व्यू सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लैम्प ले लेता हूँ एक, और इसे थोड़ा सा आप देखिए। मैंने बताया था ना कि ट्रांसफॉर्म टूल्स मैंने बी प्रेस किया, यहाँ पे सिंपली जेड प्रेस किया तो इसका पिवोट सेंटर जेड पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। तो मैं जितना बड़ा छोटा चाहिए आपको उतना कर लीजिए यहाँ से। तो इसे सिलेक्शन में रखने के बाद आपको जाना है टूल्स में। तो ये जो टूल्स है अलाइनमेंट के टूल्स, आपको सपोज यहाँ पे आपके टूल बार में नहीं है तो आप टूल्स में जाके आप अलाइन में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें देखना है अलाइनमेंट का ये टूल जिसका नाम है स्पेसिंग टूल, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगा, एक क्लोनिंग टूल टाइप ही है, इसे पिक पाथ करना है, जो पाथ है वो पिक हो जाएगा। और यहाँ पे जितने आपको कॉपी चाहिए यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, फॉलो यानी एक के पीछे एक ऐसे आ जाते हैं, होता है ना कि मेरे पीछे आ जाओ आप इस तरह से, वो एक के पीछे एक आ जाते हैं, लेकिन वैसे अभी ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ इसको, एंगल स्नैप ऑन किया मैंने, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप प्लेस कर सकते हो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक ही लाइन पे अलग अलग और भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया इसका काम, तो आप सिंपली इसे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मैं दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ आपके आपको बताने के लिए, ठीक है। यहाँ से मान के चलिए टी पॉट ले लिया है, ठीक है। पिक पाथ करते फिर से सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए ये आ गया। आप इसे रोटेट कर सकते हो, ये पता नहीं रिकॉर्ड करते वक्त ही ऐसे होता है, ठीक है। मैंने 90 कर लेता हूँ इसको, देखिए
इस डायरेक्शन में आ गए, आप यहाँ पे कॉपीज करना है, इंस्टेंस करना है, ठीक है, ऐसी चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन इंस्टेंस रखना है क्योंकि वो अभी के लिए रैम पे लोड नहीं होगा, आप जब रेंडर करोगे तब वो उसे उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह डील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे नंबर आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। आप मैन्युअली स्पेस दे सकते हो कि एक स्पेस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। कुछ यहाँ पे एल्गोरिदम से छोटे छोटे आप इसे चेक कर सकते हो, सेंटर रखना है, ईवनली डिवाइड करना है एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए तो ये एक टूल है, आपको डेफिनेटली काम में आएगा, क्योंकि अगर सपोज जैसे और प्लगइन्स मान के चलिए, जैसे वीरे का हो गया, या कोरोना स्कैटर हो गया, या फिर मल्टी स्कैटर हो गया, या फॉरेस्ट का हो गया, तो आप अगर उन वो आपका अवेलेबल भी नहीं है तो आपको मैक्स ऑलरेडी आपको दे चुका है, लेकिन आपको हो सकता है आपको ये चीज़ पता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ टूल्स थे मेरी तरफ से, आपको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग वीडियोस देखते हैं, सब देखते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। मेरे जो कोर्स के वीडियोस है उसमें भी यही बात बताया मैंने रिपीटेडली कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें समझने वाली ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ।